हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप लेक्चर 3, बायोलॉजी का लेक्चर 3 आज स्टार्ट होने वाला है। और इसके पहले आप लोगों को मैंने कोशिका के अंग क्या होते हैं, ठीक है, कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, नहीं कोशिका कितने प्रकार की होती है इसके बारे में नहीं बताया था, अभी आगे बताऊँगा। लेकिन कोशिका क्या होती है, कोशिका खोज सर्वप्रथम किसने किया, जीवित कोशिका, मृत कोशिका, और उसके बाद केंद्र की खोज किसने की, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका आदि के बारे में चर्चा हुआ, ठीक है। उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, यानी एग्जाम में आया नहीं। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से रिवीजन किया है तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम और उसके साथ साथ अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम जो लोग कर रहे हैं, अगर बायोलॉजी का यहाँ से कोई क्वेश्चन उठ के आ रहा है, मैं गारंटी देता हूँ मैं सेल का जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा कंप्लीट पढ़ाऊँगा, पूरा फाउंडेशन पढ़ाऊँगा। और कंपटीशन वाले भी सुन लें कि अगर उनको पढ़ना है तो यहाँ से बेहतर तरीके से एक बेहतरीन नोट्स बनाकर आप चलें। मैं गारंटी देता हूँ कि सेल से एक भी क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो सेल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइए आज का चैप्टर क्या रहेगा हमारा, कोशिका झिल्ली। मैंने कोशिका उसका के बारे में बता दिया है, तो आइए कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं, समझते हैं और क्या होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है, किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली, हाँ, और इसके अंदर अंदर क्या पाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। क्या होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल सेल मेम्ब्रेन, यानी क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। बायोलॉजी का जो हमारा क्या है लेक्चर, लेक्चर 3 है, ठीक। तो जिसमें लेक्चर 3 में आपको क्या बताया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, आइए बताते हैं ये कहाँ पाया जाता है। ये जंतु एवं किसमें, ये जंतु एवं पादप, ये जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है, पाया जाता है, क्या होता है, ये जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है और उसके साथ साथ पादप में भी पाया जाता है, ठीक है, जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ देखो क्या होता है, ये हो गई हमारी कोशिका, ठीक, और ये हो गई ऊपरी वाली भाग, क्या हो गया, झिल्ली, क्या हो गई, कोशिका की झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली लिख लो, क्या हो गई हमारी कोशिका झिल्ली। इसी के अंदर क्या होते हैं, सभी अवयव, क्या होते हैं, सभी अवयव, कोशिका के सभी अवयव इसी के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोशिका के सभी अवयव, कोशिका के सभी अवयव, सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर उपस्थित रहते हैं, इसी झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, अंदर उपस्थित उपस्थित रहते हैं। अब भाई जितने भी कोशिका के जो अंग होते हैं, जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, जैसे जो अवयव उसको अंग को अवयव, जैसे माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडीज, हाँ, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, सेल सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम इत्यादि जितने भी अवयव होते हैं किसके अंदर होते हैं, झिल्ली के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, क्या होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर
पाए जाते हैं। और ये झिल्ली कैसी होती है, ये झिल्ली कैसी होती भाई, ये झिल्ली कैसी होती है, ये झिल्ली क्या कैसी होती है, अर्धपारगम। कैसी होती है झिल्ली, अर्धपारगम में होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम में होती है, ठीक है। ये कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम में, मतलब कहने का मतलब होता है जैसे कोई कपड़ा ऐसा ले लो जिसमें से क्या होगा, ऐसी झाको तो बाहर दिखाई दे पूरी तरीके से नहीं, जैसे हल्का हल्का दिखाई देता है ना, उसी तरीके से हमारी झिल्ली भी होती है अर्धपारगम, मतलब अंदर उसके दिखाई देगा, अंदर उसके दिखाई देगा, आंखों से नहीं दिखाई देगा। चलो क्या समझे, आंखों से दिखाई देगा, आंखों से नहीं दिखाई देगा, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा, क्योंकि उसका सबसे छोटी यूनिट होती है ना, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, अंग नहीं होता है, इतना दिमाग में डाल लेना। तो जो हमारी कोशिका होती है वो कोशिका कैसी होती है, अर्ध पारगम होती है, आधी ऐसी झिल्ली होती है जिसमें आधा दिखाई देता है, मतलब उसको देखेंगे तो उसमें कुछ अवयव दिखाई देते हैं, उसके जितने भी अवयव होते हैं दिखाई देते हैं। जैसे क्या होता है, एक ट्रांसप्लांट जो जैसे होता नहीं है कि गाड़ी में जो कांच लगवाते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, 25% 20% क्या लगते हैं, एक पेपर लगवा लेते हैं, ब्लैक पेपर, जिससे क्या होता है कि बाहर की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, बाहर से लोग अंदर झांकेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर से झांकेगा व्यक्ति तो अच्छे से बाहर दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वो पेपर बाहर लगा हुआ है, ठीक। तो क्या लगा देते हैं, एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह उसको बना देते हैं ना, समझ में आ गया उतनी बात, ठीक। तो इसकी झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अर्धपारगम होने की वजह से, अर्धपारगम ये झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम, अर्धपारगम होने की वजह से इसमें क्या होता है, कुछ ही पदार्थ कह सकते हो, अवयव कह सकते हो, अंदर बाहर जा आ सकते हैं। तो कहते हैं कुछ ही पदार्थ या वस्तु या अवयव अंदर या बाहर क्या सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। यानी अर्धपारगम है तो इसका कहने का मतलब नहीं है, खाला का घर नहीं है कि अर्धपारगम है तो भैया हम कमजोर है, आ जाओ कोई भी आ जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें ये सीधा कहता है कि भैया हम जरूर अर्धपारगम हैं, लेकिन तुमको जब चाहेंगे तब ही आने देंगे, ऐसे मनमानी नहीं आने देंगे, गुंडा होगा, हाँ गुंडा नहीं है ना, हाँ तू अपने आप में बहुत बड़ा का गुंडा है अर्धपारगम झिल्ली, वो चाहेगा तो किसी को आने नहीं देगा, लेकिन चाह गया तो गए काम से, ठीक है। ऐसा होता नहीं है शरीर में, बता रहे हैं कि कुछ ही पदार्थ को क्या करता है, आने जाने देता है। जैसे CO2 और O2 कैसे आ जा सकते हैं, एक विसरण विधि होती है, उसी विधि द्वारा ये लोग क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आप लोग पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे आ जा सकते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, किसके द्वारा झिल्ली में आ जा सकते हैं, तो वो विसरण के माध्यम से आ जा सकते हैं, ठीक है। एक होता है विसरण, एक होता है परासरण, ठीक है। तो ये विसरण के माध्यम से आ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, चलो इसको लिख लो। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, जो भी सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, इसकी झिल्ली कैसी होती है, इसमें ये अपने पदार्थों को किस तरीके से आने और जाने देता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके आप लोग क्या करिए, इसका नोट्स बनाते चलिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। अब पढ़ाएंगे कोशिका के झिल्ली के अंदर जितने भी अवयव होते हैं। तो पहला अवयव क्या है, आइए बताते हैं आपको, मिटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, ठीक है,
माइटोकांड्रिया। ठीक, इसके बाद क्या चलेगा हमारा, माइटोकांड्रिया। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे सूत्र कणिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूत्र कणिका। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे सूत्र कणिका। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है भाई, माइटोकांड्रिया इसका कार्य क्या है, पहले छोड़ो कार्य को रहने दो, पहले हम बताते हैं इसके इसकी खोज किसने की थी, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, बताओ भाई खोज, लास्ट में कार्य बता देंगे, खोज किसने की थी, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था, किसने किया था, अल्टमैन, किसने किया था, अल्टमैन। और इसमें कैसा श्वसन होता है, माइटोकांड्रिया में जो श्वसन होता है ये खुद श्वसन भी करता है, ठीक है, ये श्वसन भी करता है, तो इसमें कैसा श्वसन होता है, तो इसमें जो श्वसन होता है वो आक्सी श्वसन होता है, आक्सी श्वसन होता है, एक होता है आक्सी श्वसन, एक होता है अनाक्सी श्वसन, इसको पढ़ लेना, ठीक है, बता देंगे आगे आपको, श्वसन जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि आक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन क्या होता है, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया क्या करता है, इसमें कैसा श्वसन होता है, आक्सी श्वसन होता है, ठीक है। और इसमें क्या चलता है भाई, इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, साइकिल चलता है, ठीक है, इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, इसी क्रेब्स साइकिल चलने के फलस्वरूप, क्रेब्स साइकिल चलने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो क्रेब्स साइकिल चलता है और इसके चलने के, इसके चलने के फलस्वरूप, फल स्वरूप किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फॉर्म क्या होता है, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिख लेना, बोल रहा हूं सुन, फिर सुनो, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है, क्या बनता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है, ये हो गया। तथा ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज भी बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, ग्लूकोज बनेगा, जब ग्लूकोज बनेगा तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज बनता है तो इस ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है हमको, ग्लूकोज बनता है तो जितने भी समस्त जीवधारी रहते हैं उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसके चलने के फलस्वरूप, क्रेब्स साइकिल चलता है और इसके चलने के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण तथा ग्लूकोज भी बनता है, जिससे क्या होती है, समस्त जीवधारियों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, समस्त जीवधारियों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे क्या हो रही है, मेरी एनर्जी समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है, तो क्या होगा, तो जैसे जो कार्य करेंगे, जिस अंग से ज्यादा कार्य करेंगे उसकी एनर्जी समाप्त होती है, जब उसकी एनर्जी समाप्त होती है तो हमारे दूसरे अंग में जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी वो क्या करेगी, उस अंग को पहुंचाएगी। जैसे क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ तो मुख का कार्य होगा, अब मुख से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या करेगा, मेरा जो हाथ हो, हाथ भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, तो अदर जो शरीर के जो अंग होते हैं, क्या अन्य अंग से एनर्जी क्या होगी, हमारे मुख, यानी
जो हमारे मुख होते हैं उस पर एनर्जी और हाथों पे एनर्जी क्या होगी, उठकर आएगी यानी कन्वर्ट होगी। ठीक है, उठकर आएगी और कन्वर्ट होगी, जिससे हम क्या पढ़ा करेंगे और अधिक देर तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो फिर हम भोजन करेंगे और हमारा शरीर क्या होगा, फिर से एनर्जी बनाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी साइकिल चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से सुन लो, समझ लो, उसके बाद चीज़ें ऐसे आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, खूब खेलते हो तो एनर्जी डाउन हो जाती है ना, घर पहुंचते हो तुरंत खाना खा लेते हो, खाना खाते हो तो बहुत आराम मिलता है ना, क्यों, क्योंकि आपका शरीर ये क्या करता है, माइटोकांड्रिया भोजन बनाना प्रारंभ करता है, जिससे आपके शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप एनर्जी ड्रिंक पीते हो, जूस पीते हो, इससे क्या होगी, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा और आपका शरीर क्या होगा, बहुत तेज़ी से एनर्जी बनाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई। उसके बाद मैं फिगर डाल देता हूँ, उस जो माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या बोला जाता है। देखिए, ये हो गया आपका माइटोकांड्रिया का एक अनुप्रस्थ काट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक, ठीक है, अब इस पे क्या होता है, इस तरीके से रैकेट के अनुसार बना रहता है। ठीक है, देखो पहले इसको समझ लो, क्या मिलता है, ग्लूकोज भी बनता है, जिससे क्या होती है, एनर्जी मिलती है। इसलिए इस एनर्जी के मिलने के फलस्वरूप क्या होता है, ये क्या करती है माइटोकांड्रिया, यानी ऊर्जा बनाती है, क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का क्या बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस भी कहा जाता है। इसलिए इसे कोशिका को क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। और कोशिका के आंतरिक दीवारों को, कोशिका के आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं, दीवारों को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। देखो हमें फिगर बनाने नहीं आ रहा है सही से, आप लोग बुक्स में फिगर देख लेना। ठीक है, इसमें दो प्रकार का लेयर होता है, इनर लेयर, आउटर लेयर, और उसके बाद इसमें कोशिका के जो अनुप्रस्थ काट होते हैं, इसमें रैकेट पाए जाते हैं, जिसके क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्या करता है, देखो इसकी खोज अल्टमैन ने किया, इसमें क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप, साइकिल चलने के फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी का निर्माण तथा ग्लूकोज भी बनता है, और जिससे ग्लूकोज से क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने की वजह से क्या बोलते हैं, हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या करता है ये, और उसके बाद माइटोकांड्रिया क्या करता है, बहुत भयानक काम करता है भाई। माइटोकांड्रिया का कमजोर प्राणी मत समझना, ये हमारे शरीर का बहुत बेहतरीन प्राणी है। ठीक है, इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए बताते हम माइटोकांड्रिया, ये देखो क्या करता है, इसका क्या होता है, इसका अपना होता है, इसका अपना क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम किसका होता है, ये इसका होता है, ये अपने पास डीएनए और राइबोसोम खुद रखता है। ठीक है, दूसरे अवयव पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको राइबोसोम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि अपना रिजर्व में खुद रखता है डीएनए और राइबोसोम, ये अपना स्वयं राइबोसोम और डीएनए रखता है। और उसके साथ साथ
इसको प्रोटीन की भी जरूरत नहीं पड़ती किसी अन्य अवयव से, ये अपना प्रोटीन क्या करता है, ये अपना प्रोटीन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है या रखता है, सीधा लिखो, बनाता है या रखता है, ये अपना प्रोटीन स्वयं रखता है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अपना प्रोटीन क्या बनाता है, स्वयं बनाता है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने माइटोकांड्रिया के सब कुछ लिखा दिया, एक बुड में सब कुछ समाहित कर दिया, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, समझ लेना क्या है कैसे है, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, यहाँ से पढ़ लोगे तो इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, माइटोकांड्रिया से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आज का क्लास इसी पे समाप्त करते हैं, थैंक यू।